आईना जी, अगर तू इस बार काल ना उठाता तो मैंने ढक्कन मार के तुझे बेहोश करना था। इतनी देर से कहाँ था? गधे के ऊपर बैठा था। हाँ बिल्कुल। क्या छोड़ो इंसान, मैं तो मजाक कर रहा था, तू भी फेंक रहा है। और तू कब से व्यापारी है, मेरा मतलब शिकारी है? बचपन से ही शिकार कर रहा हूँ। बचपन से ऐसी जंगलियों वाली नौकरी करके तुझे हासिल किया हुआ है? बहुत माहिर हूँ तीरंदाजी में मैं। माहिर तो है, लेकिन आजकल तो पर्चियाँ बेचता फिर रहा है ना लोगों को, कि कहीं भी पियोन की नौकरी हुई, मेरा मतलब चपरासी की, तो आई एम अवेलेबल, तूने कहा था। हाँ बिल्कुल। और सुना, तेरी चोर बाजार में चोरियों की दुकान थी, किससे खरीदी थी? एक ताजर से खरीदी थी। तो फिर तू जंगली यहाँ कैसे पहुँचा? नौयान ने चोरियों का ऑर्डर तो नहीं दिया था? उस जगह ज्यादा नहीं रहे हम, क्योंकि वहाँ काम बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ। सीधे सीधे बोलना, घुमा फिरा के क्यों बोलना? ढक्कन के वहाँ चोरी पकड़े जाने का खतरा था। हाँ बिल्कुल। और सुनने में तो ये भी आया था कि तूने एक बार गुनाल साहब को एक छोटे से पिंजरे में कैद किया था। गुनाल साहब को? हाँ गुनाल साहब को। इतना बोला मत बन, जब तू नोयान का थोड़े से पैसों के लिए गला दुबा सकता है तो क्या तू गुनाल साहब को मुर्गियों के पिंजरे में नहीं रख सकता? लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? चल छोड़, बावला है ना, भूल गया होगा, लेकिन वो तो याद है ना तुझे, नोयान के बोरिंग डांस से तुझे गिन आती थी। हाँ बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तू गुस्से में आके साइड पर बाचू का डोल बड़ा था वो उठा के तूने नोयान के सर पे मार डाला था। हाँ बिल्कुल। तो फिर? चलो शुक्र है इतना तो याद है। अभी नोयान ने वीडियो यूट्यूब पर डाली है जिसमें तू गुनाल को कीचड़ में दिक्कत देते हुए नजर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ तेरी भलाई के लिए यहाँ से फुर्र हो जा, वरना गुनाल तुझे कुत्तों की तरह मारेगा। हमारे लोग उनसे खुद मुकाबला कर सकते हैं। ये जो तू बड़े गरूर से कह रहे हैं, हम उनका मुकाबला कर लेंगे। गुनाल अपने साथ पतली सी स्टिक भी ला रहा है जिससे तेरी धुलाई करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ फुर्र हो जा। हम इस जगह को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकता? यहाँ पर तू अपने पियो ओक्ता यहाँ का मातम करेगा क्यों? हाँ बिल्कुल। चल फिर बैठ के करता रहे मातम और खा पिटाई। वैसे एक और भी है तरीका तुझे बचाने के लिए जिसमें तेरी तबीयत से कुट लगेगी और फिर गुनाल के सारे शुकु खान पे से दूर हो जाएंगे। हाँ वो तो दूर हो जाएंगे, वो ये कि तुझे गुनाल साहब के सामने खुद अपना एतराफ करना होगा कि मैं मुजरिम हूँ, आई एम ए कुलप्रिट, और फिर खुद अपने आप को दो तीन थप्पड़ मार के अपने कपड़े फाड़। इस तरह गुनाल को तरस आएगा, लेकिन वो तेरी कुट लगाएगा, लेकिन फिर बख्श भी देगा कि इंसान ने एतराफ तो किया है। इस तरह करने के लिए क्या तैयार है तू? हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर कुट खा ले, फिर मेरा मतलब एतराफ कर ले मुजरिमों में। ठीक है चलता हूँ मैं। तो दोस्तों जिस जिसको ये वीडियो पसंद आई वो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से और मिर्गन की तरफ से अल्लाह हाफिज़।